आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एक जरूरी सूचना, बोलने एवं सुनने में असमर्थ रोगियों के लिए एक दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर 3 नवंबर दिन रविवार को आयोजित किया जा रहा है। शिविर में जन्म से या जन्म के बाद प्राकृतिक अथवा अन्य रोगजन्य कारणों से बोलने या सुनने में असमर्थ रोगी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि शिविर में आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, लेप एवं आयुर्वेदिक मर्म चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाएगा। शिविर का पता है HIG 62 MP नगर, डॉक्टर दानी आई हॉस्पिटल के सामने, घंटाघर चौक, कोरबा। समय का ध्यान रखें, समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9303541547, 6263519411। जांजगीर चांपा विधानसभा के विधायक नारायण चंदेल के नेतृत्व में आज जिला मुख्यालय जांजगीर के कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बारे में विधायक चंदेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार जिले के जर्जर सड़कों की नवीनीकरण और सुधार की मांग को लेकर आज यहां विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। पूरे जिले की बदहाल सड़क जो कि जीर्ण शीर्ण है और गड्ढों में तब्दील है, प्रभारी मंत्री और जिला योजना समिति का ध्यान मिलकर और कागजी कार्रवाई से इस ओर कई बार आकर्षित किया गया, जिसका परिणाम शून्य है और शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जिसे झकझोरने और जगाने के लिए सड़क का नवीनीकरण एवं सुधारने की मांग को लेकर यह आंदोलन है। कांग्रेस की 10 माह के कार्यकाल में सड़कों की बदहाल स्थिति है। कांग्रेस केवल आश्वासन की सरकार और लबरा सरकार है जो अपने किए वादों से मुकर रही है। आज भाजपा के सारे कार्यकर्ता सरकार को चेतावनी देते हैं कि शीघ्र ही सड़कों का नवीनीकरण और सुधार किया जाए, अन्यथा जन आक्रोश का लावा कभी भी फूट सकता है। जिला मुख्यालय जांजगीर नगर, चांपा नगर और पूरे जिले में, जांजगीर चांपा जिले के सड़कों की बदहाल जो स्थिति है, यहाँ की जो सड़क है अत्यंत ही जर्जर, जीर्ण शीर्ण, और सड़क नहीं है बल्कि पूरा सड़क गड्ढों में तब्दील हो गया है। हमारा ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है कि आज हम 30 तारीख को यहाँ धरना देंगे जांजगीर में। हमारा ये धरना कार्यक्रम चल रहा है और इसके पूर्व हमने अनेकों बार जिले के प्रभारी मंत्री को, PWD मंत्री को, कलेक्टर को, विधानसभा अध्यक्ष को और विधानसभा में भी हम लोगों ने उठाया इस विषय को कि सड़कों की स्थिति को तुरंत ठीक कराएं, सड़कों का नवीनीकरण कराएं, सड़कों को गड्ढों को भराएं, लेकिन शासन और प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रहेगा। और यह अत्यंत ही शर्मनाक स्थिति है कि 10 महीने के अंदर हमको आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हम शासन और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो आगे हम चक्का जाम और नगर बंद की भी चेतावनी देने वाले हैं। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव अम्बेश जांगड़े ने कहा कि हमारा धरना प्रदर्शन संकेतिक है, पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों की स्थिति बदतर है, कांग्रेस को चुनाव के समय किया गया वादा अवश्य ही निभाना चाहिए। आज का धरना प्रदर्शन एक संकेतिक रूप है और आज हम हमारे जांजगीर चांपा जी के लोकप्रिय विधायक अदर नारायण जी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन कर रहा है। यह जांजगीर की जो घटना है, जैसे भैया बता रहे थे, जांजगीर की घटना नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। मैं पामगढ़ पर प्रतिनिधित्व करता हूँ और पामगढ़ की जो स्थिति है, आज आप जाकर के देखिए, पूरा रोड जो है, एक तो वह जो रोड है, हमने केंद्र से पहले हमारी जो सरकार थी उसमें हमने उस रोड को 110 करोड़ रुपया उसमें सम्मिलित कराया था और आज वह बनना चालू हुआ है, लेकिन उसमें कोई किसी की माई बाप नहीं है। पूरा धूल का गुब्बार उड़ रहा है, गिट्टी किसी के शरीर पे लग रहा है, कई गड्ढे ऐसे हैं कि वहाँ पे मोटरसाइकिल जो है पूरा घुस जा रहा है। तो इस प्रकार जो है पामगढ़ क्षेत्र में भी, जांजगीर की तरह पामगढ़ क्षेत्र के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ जो है इस रोड के साथ ही साथ, हम आज किसान को भी लें, किसान को भी जो चुनाव के समय जो वादा किया था उसको पूरा नहीं करके ये जो छुट्टी सरकार है वो आज 10 महीने में ये जो इसी पोल खुल गई है और निश्चित रूप से जो धरना प्रदर्शन है आगे चल करके क्या हम और इसको आगे बढ़ाएंगे अगर ये सरकार नहीं चलता है तो, और निश्चित रूप से पामगढ़ क्षेत्र में भी इस प्रकार से हम धरना प्रदर्शन करने के लिए हम
आज घोषणा करेंगे और अगर ये सरकार नहीं चलती पामगढ़ में भी इस तरह के धरना प्रदर्शन होंगे। आज के धरना प्रदर्शन में पूर्व शक्ति विधायक खिलावन साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष मेघाराम साहू, अगलतरा विधायक सौरभ सिंह, भाजपा जिला महामंत्री प्रशांत ठाकुर, सहकारिता प्रकोष्ठ जिला संयोजक खम्भन प्रसाद तिवारी, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र कौशिक, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष नंदनी राजवाड़े प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। KSN 24 के लिए जांजगीर से भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट।